हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेके। और ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मैं ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इस टॉपिक से पर्दा उठा देंगे हम लोग और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है? और जब हम भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग सारे काम कर रहे होते हैं तो पावर फैक्टर बड़ा ही एक कॉमन सा चीज है और हमेशा यूज होने वाला चीज है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला चीज है। तो हम लोग शुरू करते हैं पावर फैक्टर। उसमें हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, आपका जो लोड होता है, मतलब रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड है, कैपेसिटिव टाइप ऑफ लोड है, इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड है, उनसे पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपको पावर फैक्टर के लिए। और दोस्तों, मैं एक चीज बताता चलूं आपको कि जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं ना, तो आपको एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहले बेसिक सी जानकारी देना भी चाहूंगा, मैं एक ब्रीफ करना चाहूंगा, वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी। और जब आप वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी इन चीजों को समझेंगे तो आपको ये पावर फैक्टर समझना बिल्कुल भी आसान होगा। और जब आप डायरेक्ट पावर फैक्टर से रिलेटेड वाली चीजें नहीं समझेंगे और डायरेक्ट पावर फैक्टर समझने लगेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल बल होता है जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जब दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वोल्टेज एक बल लगाता है जिसके कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। तो जब दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल अंतर होता है और वोल्टेज एक बल लगाता है, इसके कारण एक आवेश, मतलब जो आवेश होता है वो एक बिंदु से दूसरे पॉइंट तक सर्किट में ट्रैवल करता है और जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे करंट। तो जो करंट है दोस्तों, किसी भी परिपथ या सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का लगातार बहना विद्युत धारा कहलाती है। तो किसी भी सर्किट में वहां इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे आपको दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों जाने से पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक दो तीन चार्ट दिखाना चाहूंगा, फ्रीक्वेंसी साइकिल ये सारी सारी चीजों को एक्सप्लेन करके, देन ओनली हम लोग पावर फैक्टर को समझने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये साइकिल इन एसी करंट, इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं? साइकिल। इसी करंट में साइकिल क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एसी करंट में साइकिल प्रत्येक पार्श्ववर्ती धारा शून्य से प्रारंभ होकर अधिकतम धनात्मक मान से होते हुए पुनः शून्य होकर प्रथम अर्धचक्र पूरा करती है। ठीक है, जो क्या होता है? पॉजिटिव अर्धचक्र कहलाता है। और वो फिर अधिकतम ऋणात्मक मान से होते हुए वापस शून्य होकर अपना दूसरा अर्धचक्र पूरा करती है, जो कि होता है ऋणात्मक अर्धचक्र। तो जैसे कि आप लोग सर्कल में देख पा रहे हैं, ग्राफ में देख पा रहे होंगे, एक जो ग्राफ है एक बार ऊपर की तरफ जाती है और वापस जीरो की तरफ आती है, उसे हम पॉजिटिव हाफ सर्कल कहते हैं। उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ आती है, निगेटिव में एक हाफ सर्कल होती है, इसको हम लोग निगेटिव सर्कल, हाफ सर्कल कहते हैं। तो ये हाफ सर्कल पॉजिटिव और हाफ सर्कल निगेटिव मिलके क्या होता है? एक सर्कल बनता है। तो हम इसको एक साइकिल कहते हैं एसी करंट में। ठीक है, इसको समझने के फायदे आपको आगे मिलेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और अब देखते हैं 50 एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चार्ट। जैसी बात है, हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में ये डाउट आता है कि 50 एंड 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हम लोग बात करेंगे 50 एंड 60 के लिए। तो आप देखिए, इसमें जो रेड वाला है वो 60 हर्ट्ज है, जो 50 है वो क्या है? ग्रीन या ब्लू वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखिए, हम लोग दोस्तों जो रेड वाला है, अगर हम 60 की बात करें तो ये ज्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ज्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा है, और जो 50 वाला है वो ऊपर तक जा रहा है। इसमें साइड में हम लोगों ने वोल्टेज दिया है तो ये जल्दी ही नीचे आ रहा है। इसमें आपका, आप लोग ये भी देखते होंगे, एशियन कंट्री में तो ऐसे 60 हर्ट्ज नहीं है, तो यूरोप कंट्री में है जहां वोल्टेज, वहां क्या होता है? वोल्टेज कम होती है, क्योंकि ये जो सर्कल होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको ज्यादा ऊपर जाने का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि उसको क्या करना है? 60 हर्ट्ज पूरा करना है। और एक सेकंड में 60 सर्कल नहीं पूरा करेगा तो उसका 60 हर्ट्ज कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको दूर भागना है, तो दूर भागना है तो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, मतलब उसकी 60 हर्ट्ज अचीव करना है। और जो हमारा 50 हर्ट्ज वाला है वो थोड़ा ऊपर तक जाता है, ज्यादा वोल्टेज होता है, क्योंकि वो 50 साइकिल ही पूरे करने होते हैं। तो ये होता है 50 और 60 हर्ट्ज। आई होप कि आप लोगों को ये अंतर पता चला होगा दोस्तों, 50 और 60 हर्ट्ज के बीच में कैसे बिहेव करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको एक और साइकिल, मतलब ग्राफ की मदद से देखते हैं। अब देखिए, आपको टाइम देखना है, आपने साइकिल देख लिया, आपने
फिफ्टी सिक्स ईयर्स का बिहेवियर देख लिया, अब आपको मैं साइकिल आई मीन टाइम दिखाता हूँ फ्रिक्वेंसी ग्राफ में। तो ये क्या होता है, क्योंकि इसके बाद अब टाइम का इंपॉर्टेंस है। तो ये जो दोस्तों ये जो मार्क किया है मैंने, इस पॉइंट से नीचे आना फिर निगेटिव हाफ साइकिल पूरा करना और ऊपर का साइकिल पूरा करना हाफ, जो इन दोनों का जहां मैंने टी मार्क किया है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और इन पॉइंट, इसको हम लोग टी से मेजर करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में इस जहां मैंने टी ग्राफ लोकेट किया है, इस ऐसे वाले जो एक फुल साइकिल एक सेकेंड में जितना लेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर आप बोलेंगे तो एक और ग्राफ से मदद से सहायता लेते हैं। मैंने ये घड़ी का ग्राफ दिया है और यहाँ देखिए, तो दोस्तों ये जितने भी साइकिल पूरा करेगा एक सेकेंड में, उसी से हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन निर्धारित होती है। तो अब हम आपको फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन भी देते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज द्वारा एक सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज द्वारा एक सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आपने साइकिल भी देखा, आपने 56 इयर्स भी देखा, आपने फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर भी देखा, आपने साइकिल सब कुछ देखा है। तो वो क्या होता है, एक सेकेंड में जितना साइकिल पूरा करेगी वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर उदाहरण की बात करें हम, तो एसी एक सेकेंड में 50 चक्र पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा बेसिक सा चीज। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग कि पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर को जानने से पहले मैंने एक यहाँ फॉर्मूला लिखा है दोस्तों। पावर फैक्टर आपका इज इक्वल टू रियल पावर को डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर उसका अनुपात होगा टोटल पावर से, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, बट हम लोग दोस्तों डिफिनेशन चाहिए हमें ना, हम कब पावर फैक्टर क्या होता है हमारे पूछे कोई भी पूछे, क्योंकि पॉपुलर सब्जेक्ट है, पॉपुलर टॉपिक है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और इसकी समझ इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने वाले सारे जेंटलमैन को होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो दोस्तों इसका परिभाषा जो होता है ना, वो जैसा कि मैंने पहले भी दावा किया है इस वीडियो में कि सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आपको आपके पावर फैक्टर से रिलेटेड। तो मैं जो डेफिनेशन होता है पावर फैक्टर का, वो वोल्टेज और एम्पियर के एंगल के आधार पर भी होता है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात के आधार पर भी होता है, वास्तविक और आभासी पावर के अनुपात के आधार पर भी होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग पावर फैक्टर वोल्टेज और एम्पियर के एंगल के आधार पर क्या कहते हैं। तो पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और एम्पियर के बीच में जो भी एंगल बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर कहते हैं। इसमें फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय वीआई, पावर फैक्टर यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा वोल्टेज वी और एम्पियर आई। तो अगर आपको वोल्टेज और एम्पियर के एंगल के आधार पर कोई पूछे कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो उसको आप बताइए एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और एम्पियर के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हम कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा देखेंगे रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात के आधार पर क्या होता है पावर फैक्टर। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच का अनुपात को हम पावर फैक्टर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड, जो पावर फैक्टर कॉस थीटा होता है, प्रतिरोध आर होता है, और इम्पीडेंस यानी जेड एसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी को भी हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात के आधार पर डिफिनेशन देना है, तो एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच का अनुपात हम पावर फैक्टर कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरा देखेंगे वास्तविक और आभासी पावर के अनुपात के आधार पर हम लोग पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड द्वारा दिए गए वास्तविक शक्ति रियल पावर तथा आभासी शक्ति अपेरेंट पावर के अनुपात के शक्ति गुणांक को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला होता है कॉस थीटा किलोवाट बाय केवीए, पावर फैक्टर कॉस थीटा होता है टू पावर किलोवाट होता है, अपेरेंट पावर केवीए होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको किसी कोई परिभाषा पूछे तो वास्तविक और आभासी पावर के अनुपात के आधार पर, तो एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड द्वारा लिए गए वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। रियल पावर और अपेरेंट पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो यह हुआ दोस्तों, ये डिफिनेशन हुआ दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएं तो आपको अगर कोई पावर फैक्टर पूछे, तो अगर वोल्टेज और एम्पियर के एंगल के आधार आप कुछ भी बोले, अगर आपको ये बोले कोई भी एक डेफिनेशन दे, अगर वो अगला पूछे आपसे कि वोल्टेज और एम्पियर के आधार पर पावर फैक्टर क्या होता है, या रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के आधार पर क्या होता है, वास्तविक और आभासी पावर के अनुपात पर क्या होता है, तो आप इन सारी चीजों को लिख लें तो बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब भी पावर फैक्टर का दोस्तों जिक्र होता है ना हमारे, जब भी होता है, तो पावर फैक्टर में हम लोग फिर
उलझ जाता है यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड, तो इन सारी चीजों को भी हम लोग क्लियर करते हैं। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर में दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर हमारा होता है 1, मतलब इसमें हमारा वोल्टेज और करंट की जो वेव फॉर्म होती है बिल्कुल साथ में स्टार्ट होती है, साथ में खत्म होती है, ठीक है, ये सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। तो जब हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है तो ये उस समय हमारा जो लोड सर्किट होता है उसमें किस टाइप के लोड होते हैं, उस समय होते हैं हमारा रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड, ठीक है। तो इसमें जब रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड होते हैं तो लोड कंसिस्टिंग ऑफ एनी हीटिंग एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज रेजिस्टिव लोड, दीज आर इंक्लूडिंग लाइट्स, टोस्टर, ओवन, स्पेस हीटर एंड कॉफी मेकर्स। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर में जो लोड जुड़े होते हैं वो रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड होते हैं, और रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड में हमारे जो हीटिंग एलिमेंट आते हैं, हीटिंग एलिमेंट कॉइल वाली जो चीजें आती है जो हीट होती हैं, वो सारे आएंगे। जब से आपका लाइट हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, स्पेस हीटर हो गया, आपका आयरन हो गया, कॉफी मेकर्स हो गया, ये सारे जहां भी हम हीटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारे होते हैं। अब दोस्तों, इसको आगे इससे आगे और बढ़ते हैं और हम लोग एक ग्राफ की मदद लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में मैंने दिखाया है वोल्टेज और करंट, वोल्टेज लाल से है, करंट ब्लैक से है, तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिखाया है। तो इसमें देखिए आप लोग दोस्तों, देखिए जो साइकिल है वो एक बिंदु से शुरू होते हुए ऊपर गया है और वापस एक ही बिंदु पे खत्म हुआ है, ठीक है, तो वापस नीचे भी गया है और वापस एक ही बिंदु पे खत्म हुआ है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो साइकिल होता है वो एक ही टाइम पे शुरू होता है, एक ही पॉइंट पे खत्म होता है, तो हमारा जो पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी पावर। तो ये हुआ दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर में हमारे जो वोल्टेज और करंट के ग्राफ होते हैं एक ही टाइम पे शुरू होते हैं, एक ही टाइम पे खत्म होते हैं, और इसमें रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड से जुड़ा होता है ये सर्किट। हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो लैगिंग पावर फैक्टर में दोस्तों, यह पावर फैक्टर सबसे खराब पावर फैक्टर होता है, यह कि यहां हमारे इंडक्शन मोटर या इसके ज्यादा चलने से होता है, और इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। दोस्तों, जब भी कई सारे पावर सब स्टेशनों में जो पहले होता था कैपेसिटर बैंक होते थे, और जब भी ये पावर फैक्टर हमारा लैगिंग जाता था तो हमको उससे जोड़ देते थे ताकि वो पावर फैक्टर सुधार कर सके, ठीक है। अब पावर फैक्टर लैगिंग अगर है तो इसमें किस टाइप के लोड होते हैं ये भी हमें बात करने की जरूरत है। तो यहां होते हैं इंडक्टिव लोड में, तो लैगिंग पावर फैक्टर में इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड टाइप ऑफ सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। तो लोड दैट पावर इलेक्ट्रिकल मोटर आर इंडक्टिव लोड्स, दिस आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हाउसहोल्ड आइटम्स एंड डिवाइस विद मूविंग पार्ट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फैंस, वैक्यूम क्लीनर, क्लीनर, डिशवाशर, वॉशिंग मशीन एंड कंप्रेसर एंड रेफ्रिजरेटर, ईटीसी, एयर कंडीशनर। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें मोस्टली हम लोग जो लोड कंसीडर करते हैं इंडक्टिव लोड में होता है इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जो भी मूविंग पार्ट्स वाले सामान है, पंखा हो गया आपका, वैक्यूम क्लीनर हो गया, डिशवाशर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इन सब क्या होते हैं, इंडक्टिव लोड में होते हैं। तो जब ऐसे लोड होते हैं तो आपको जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग करने की संभावना रहती है, जब आपके अगर सब स्टेशन या सोर्स अगर ऐसे टाइप के लोड से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक ग्राफ की मदद लेते हैं, और ग्राफ में दोस्तों हम लोग देखिए, आपको ग्राफ से आधी चीजें की ही क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, जो रेड वाला है वोल्टेज का कर्व है, और जो करंट का है वो ग्रीन वाला है, आई मीन ब्लैक वाला। तो इसमें आप देखिए कि जो करंट है वो क्या होता है, लेट में शुरू हो रहा है, लेट में खत्म हो रहा है, और जो वोल्टेज है वो पहले खत्म हो रहा है, वोल्टेज पहले शुरू हो रहा है, पहले खत्म हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज पहले शुरू होके पहले खत्म हो जा रहा है, और करंट बाद में शुरू होके बाद में खत्म हो रहा है, एक साथ से शुरू होके एक साथ में नहीं खत्म हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर का चार्ट कहते हैं। और लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है हमारा, जब इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड से जुड़ा होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स इंडक्टिव टाइप्स ऑफ लोड, ये भी एक कॉम्बिनेशन आप याद रखें, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखेंगे आपका जो लीडिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर को भी ऑब्वियसली देखेंगे। तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर में जब भी हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में जब भी हम कैपेसिटर बैंक से इसको जोड़ देते हैं और ज्यादा ही देर तक जोड़ के रखते हैं, तो हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, बहुत ही सडनली चेंज हो जाता है और माइनस में जाने की आशंका रहती है। तो हम क्या कहते हैं, तो ये पावर फैक्टर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और लीडिंग पावर फैक्टर में दोस्तों हमें अनावश्यक कैपेसिटर को सप्लाई से हटाना चाहिए।
तो हमारा क्या होता है लीडिंग पावर फैक्टर को हम सुधार सकते हैं। अब लीडिंग पावर फैक्टर में हम किस टाइप के लोड से कनेक्टेड होते हैं, अभी हमें देखने वाली बात है। तो इसमें होता है हमारा कैपेसिटिव टाइप्स ऑफ लोड से जुड़े होते हैं। इन्हें कैपेसिटिव लोड्स करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज एज विथ इंडक्टिव लोड। तो दोस्तों ये कैपेसिटिव टाइप्स ऑफ लोड में जो भी करंट एंड वोल्टेज होता है वो आउट ऑफ फेज होता है, आउट ऑफ फेज होता है, जैसा कि हम लोगों ने लैगिंग में पढ़ा था। मतलब डिफरेंस क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्राफ लेते हैं दोस्तों ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ में देखिए दोस्तों, ग्राफ भी लगा दिया हूं मैं, वोल्टेज और करंट का दोनों का इसमें शो किया गया है इस ग्राफ में। तो अब बताइए आप दोस्तों डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि लैगिंग में आपको वोल्टेज पहले खत्म हो रहा था और अभी क्या है, इसमें वोल्टेज बाद में खत्म हो रहा है। लैगिंग में करंट क्या हो रहा था, बाद में खत्म हो रहा था, लीडिंग में करंट पहले खत्म हो रहा है। तो डिफरेंस क्या होता है, द करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यूज बिफोर द वोल्टेज टच। तो वोल्टेज से पहले करंट आपका मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है इसमें लीडिंग में। और एक बार आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से भी ये सारी चीजें तो क्लियर है। तो ये हुआ दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में कैपेसिटिव टाइप्स ऑफ लोड होते हैं और ये इसमें जो करंट होता है वो पहले मैक्सिमम लेवल रीच कर जाता है एज कम्पेयर टू वोल्टेज, लैगिंग में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा लीडिंग पावर फैक्टर। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने आज बात किया दोस्तों, एंड आई होप कि आपको पावर फैक्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंचे। एंड दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे।